सीएजी का जो इंस्टीट्यूशन है ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, ये ना ही पार्लियामेंट का पार्ट है ना ही लेजिस्लेचर का पार्ट है, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो ऑडिट करती है कि हम एक जमहूरियत है तो उसमें अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी जो है सबसे इम्पोर्टेंट पिलर्स, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जमहूरियत में जो है हर शहरी जो है वो उसका हिस्सेदार है, क्योंकि गवर्नेंस एक वन वे प्रोसेस नहीं होती, जमहूरियत में टू वे प्रोसेस होता है। आज ऑडिट दिवस मनाया जा रहा है, इस हवाले से हफ्ता भर मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद भी अमल में लाया जा रहा है। इस दिवस का मनाने का मकसद क्या है, क्या आम लोगों को इस दिवस से कोई फ़ायदा है, या सालाना बुनियाद पर मुख्तलिफ महकमों में ऑडिट के तनाजुर में ये आग ही के तौर मनाया जा रहा है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जम्मू और कश्मीर की सीनियर डिप्टी अकाउंटेंट जनरल इनाबत खालिक साहिबा, खुश आमदीद है आपका ईटी भारत में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जानना चाहेंगे अपने नाज़रीन की जानकारी के लिए सीएजी और एजी ऑफिस का काम क्या है। जी, जो आज ऑडिट दिवस मनाया जा रहा है बेसिकली ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जो फाउंडेशन ऑफ सीएजी है। सीएजी का जो इदारा है ये हमारी कंट्री में वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशंस है, जिसकी दाग बेल 1860 में रखी गई थी। तो हमारी आज़ादी के बाद हमारा जब आइन जब तकमील हुआ तो उसमें इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। तो सीएजी का जो इंस्टीट्यूशन है ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, ये ना ही पार्लियामेंट का पार्ट है ना ही लेजिस्लेचर का पार्ट है, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो ऑडिट करती है सरकारी महकमों का, ये यूनियन गवर्नमेंट का भी करती है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ की सरकारों और डिपार्टमेंट्स का ऑडिट करती है। तो ऑडिट से मुराद क्या है कि किसी भी महकमे या किसी भी दफ्तर के काम को इवेलुएट करना, ये देखना कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं क्या उनका पालन हो रहा है, क्या उनको फॉलो किया जा रहा है, और जो सर्विसेज आम शहरियों को मिलनी चाहिए क्या वो फराहम हो रही हैं। तो बेसिकली अगर आप गोल ऑफ ऑडिट देखें वो यही है कि गुड गवर्नेंस हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ऑडिट दिवस जो पहला ऑडिट दिवस मनाया गया 2021 में मनाया गया, और बेसिकली ये तीसरा ऑडिट दिवस है जो हम इस साल मना रहे हैं, और इस ऑडिट दिवस की जो थीम है वो है कोलैबोरेशन फॉर गुड गवर्नेंस, क्योंकि आम तौर से ऑडिट को तनकीद की नज़र से देखा जाता है कि ये क्रिटिसिज्म है, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं गवर्नमेंट को भी और शहरियों को भी हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ऑडिट सिर्फ तनकीद नहीं है, वो एक पॉजिटिव अप्रिसिएशन भी है, वो एक पॉजिटिव इनपुट भी है पूरे सिस्टम की बेहतरी के लिए। अच्छा, ये जो ऑडिट आप करते हैं मुख्तलिफ महकमों में सालाना की बुनियाद पर, क्या ये पैसों के लेन देन के हवाले से ही होता है या पॉलिसीज या जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके हवाले से भी ऑडिट होता है? जी, अगेन आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। तो ऑडिट जो है बहुत तरीके का होता है, एक ऑडिट है फाइनेंशियल ऑडिट जो आमतौर से हमें लगता है कि फाइनेंशियल ऑडिट ही है, और वो है सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूँगी पार्ट ऑफ ऑडिट, वही है कि पैसा जिस चीज़ के लिए था क्या उसी पर खर्च किया गया, उतना ही किया गया जितना उसके लिए मेंट था, वो सब आपके फाइनेंशियल ऑडिट में आएगा। उसके बाद कंप्लायंस ऑडिट है। कंप्लायंस ऑडिट क्या है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं क्या वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और तीसरा है परफॉर्मेंस ऑडिट, उसमें आप देखते हैं आउटकम, जैसे अगर कोई स्कीम है नरेगा ले लीजिए, पीएमएवाई ले लीजिए, कोई सी भी स्कीम ले लीजिए, अगर उसका परफॉर्मेंस ऑडिट होता है तो आप देखते हैं कि ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट क्या है, क्या जिन बेनिफिशरीज के लिए था उन्हीं को बेनिफिट मिला, और क्या जितने बेनिफिशरीज हमने सोचा था टारगेटेड थे क्या उन सबको हम दे पाए कि नहीं दे पाए, और जिनको बेनिफिट दिया भी तो वो उससे मुतमइन है कि नहीं है। तो उसका उसमें हम बेनिफिशरी सर्वेज भी करते हैं, लोगों के बीच में भी जाते हैं। तो बेसिकली इतने बहुत तरीके के ऑडिट होते हैं। अच्छा, बदउनवानी या रुश्वतस्तानी पर काबू पाने के लिए क्या सीएजी का रोल है? जी, अगेन एक पूरा जो हमें समझना है कि हम एक जमहूरियत है तो उसमें अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर्स है। तो इसको इसको मतलब पॉसिबल बनाने के लिए सीएजी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये एक अकेला इंस्टीट्यूशन नहीं है। हमें वी हैव टू बेयर इन माइंड कि सीएजी एक इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जैसे आप ये समझे कि कहीं कोई करप्शन स्कैंडल होता है तो मैंने बहुत लोगों को सुना है कि वो कहते हैं यहाँ पे तो ऑडिट होना चाहिए, वहाँ ऑडिट का रोल नहीं है, वहाँ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का रोल है, जैसे सीबीआई, आपके एंटी करप्शन ब्यूरो। बेसिकली करप्शन क्यों होता है, जब रूल्स रेगुलेशंस का पालन नहीं होता है तो जो इंडिविजुअल डिस्क्रेशन है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से सिस्टम तभी करप्शन को अलाउ करता है। तो इन सब चीज़ों को सीएजी देखता है। और हाँ, कभी कभी हमारे ऑडिट के दौरान ऐसे करप्शन और इन सब के इश्यूज़ भी हमें डील करने पड़ते हैं, हमें
बहुत बार नज़र आता है कि ऐसे केसेस हुए हैं, लेकिन वो आपका प्राइमरी एम नहीं है. तो मैं कहूँगी कि हमारा मोर ऑफ अ प्रिवेंटिव रोल है करप्शन में. बिल्कुल, हमारे जो ऑडिट पैरा बनते हैं, जो CAG's रिपोर्ट का हिस्सा बनते हैं, वो ले होते हैं पार्लियामेंट में, वो ले होते हैं लेजिस्लेचर्स में, जहाँ पे उस पर डिस्कशन होती है पार्लियामेंट में और लेजिस्लेचर्स में. पब्लिक अकाउंट्स कमिटीज़ होती हैं जिसमें दोनों हाउसेज से जो है शमूलियत होती है, तो वहाँ पर डिटेल्ड डिस्कशन होता है CAG's रिपोर्ट्स पर, और वहाँ पर बेसिकली जवाबदेही होती है. जो भी कंसर्न्ड ऑफिशियल्स होते हैं, अफसरान होते हैं, उन्हें बुलाया भी जाता है, उनकी जवाबदेही होती है, और वहाँ पर उसका फाइनल डिस्पोजल होता है. और अगर ऐसा कोई करप्शन या इस सब का केस इमर्ज होके आता है, तो वहाँ पे जो बाकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी हैं वो भी पिक्चर में आ जाती हैं, और हमारी जो रिपोर्ट्स हैं वो उनके लिए एक मटेरियल का काम करती हैं. अच्छा, ये बताइए कि आज से आप ऑडिट दिवस मना रहे हैं और हफ्ते भर इस हवाले से मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, इसका मुद्दा मकसद क्या है? क्या आम लोगों को इससे कुछ फ़ायदा होगा या महकमा जात तक ही इसकी रसाई मुमकिन हो पाएगी? जी, तो महकमा जात में तो सब जानते हैं कि ऑडिट क्या होता है. हमारा इसमें मकसद ये है कि आम शहरियों को पता चले कि ऑडिट क्या है. और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हम ये मानते हैं कि जमहूरियत में जो है हर शहरी जो है वो उसका हिस्सेदार है, क्योंकि गवर्नेंस एक वन वे प्रोसेस नहीं होती जमहूरियत में, एक टू वे प्रोसेस होता है. तो शहरियों को भी पता होना चाहिए कि ऑडिट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का एक मैकेनिज्म है जिसमें उनका भी बहुत बड़ा रोल है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारी रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिक डोमेन में होती हैं. आप CAG की वेबसाइट पर जाएँ या हमारे AG ऑफिस जम्मू एंड कश्मीर की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पर आपको ऑडिट रिपोर्ट्स मिलेंगी. और वो शहरियों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि मैं मानती हूँ एज अ रिस्पॉन्सिबल शहरी आप जानना चाहेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में जो काम हो रहा है डिफरेंट महकमों में या वेरियस स्कीम्स में जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, क्या वो उस तरीके से हो रहा है लोगों की टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द पब्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ऑडिट जब एक महकमे का होता है तो वो एपेक्स एंटिटी का भी होता है, जैसे हम स्टार्ट सेक्रेटेरिएट लेवल से करेंगे, उसके बाद उनके डायरेक्टरेट लेवल का भी होगा और वेरियस फील्ड ऑफिसर्स का भी होगा. कुछ सिलेक्ट किए जाते हैं महकमे और दफ्तर एक ऑडिट प्लान में एक साल में जिनको ऑडिट होगा. और जब जिस दफ्तर को ऑडिट होना है वहाँ प्रायर इंटीमेशन से हमारी ऑडिट टीम जो है तैनात होती है. तो हमारे जो टीम्स हैं यहाँ से डिप्यूट होते हैं, कोई परमानेंट हमारे जो हैं मुलाज़मीन वहाँ तैनात नहीं रहते. अच्छा जी, तो ये सालाना बुनियाद पर होता है? ये सालाना बुनियाद पे होता है, और जिस जिस दफ्तर में ऑडिट होता है उनको प्रायर इंटीमेशन दी जाती है. तो बहुत बार लोगों का ये भी मिसकंसेप्शन होता है कि ऑडिट की कहीं रेड होती है, छापा होता है, ऐसा नहीं होता है. तो ये पर्टिकुलर मंथ में नहीं होता है? नहीं, ये चलते रहते हैं. अब हाँ, किसी एक दफ्तर के लिए उनको जो पीरियड दिया जाए उसी में उनका होगा, लेकिन हमारे लिए जो है, क्योंकि हमें इतने सारे दफ्तर और महकमों को ऑडिट करना होता है, तो हमारे लिए तो ये कंटिन्यूअस एक्सरसाइज है जो चलते रहता है. आपके पास शिकायत आ जाती है कि जिस तरह से आपने इब्तिदा में ही जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि इनका इस चीज़ का ऑडिट होना चाहिए, ये तरीके से ये पॉलिसी या प्रोग्राम अपनाया नहीं गया या अमलाया नहीं गया है, तो इस हवाले से आपकी जानिब से कोई एक्शन ली जाती है? देखिए, पब्लिक जो है कंप्लेंट्स जो है, कभी कभी क्या होता है कि CAG's ऑफिस में कोई कंप्लेंट्स गई हैं, तो डेफिनेटली वो हमें भी रेफ़र होती है, और उसमें हम जितना ज़्यादा हमसे हो पाए, क्योंकि मैन पावर का कंस्ट्रेंट होता है और बाकी चीज़ों का कंस्ट्रेंट होता है, लेकिन वो जब हम उस दफ्तर या उस महकमे को ऑडिट कर रहे होते हैं तो वो कंप्लेंट बिल्कुल हमारी ऑडिट टीम को बाज़ाब्ता दी जाती है कि वो उसमें देखें कि इसमें कोई हकीकत है कि नहीं है, तो वो सब चीज़ें भी दी जाती हैं. हाँ, ऐसा नहीं होता कि कोई भी पब्लिक कंप्लेंट आए और उस पर एक्शन हो, वैसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये जो थ्रू प्रॉपर चैनल जैसे हमारे CAG के दफ्तर से आ जाए, जो फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल हम पे हमारे ऑफिस को रेफ़र होती है कंप्लेंट, तो वो ज़रूर देखा जाता है जब हम उस महकमे का ऑडिट करते हैं कि हम वो एस्पेक्ट भी चेक करें. अच्छा, ये बताइए कि अब चूंकि हफ्ता भर आपकी तकरीबात मुनक्कद होने जा रही है इस हवाले से, तो किस तरह की तकरीबात आप मुनक्कद करने जा रही है और कहाँ कहाँ? जी, जो ऑडिट वीक है इसमें हम दो तरीके की तकारीब करेंगे. एक तो हमारे विद इन द दफ्तर कुछ तकारीब होगी, क्योंकि मैं मानती हूँ हर इंस्टीट्यूशन में जो सारे मुलाजमीन हैं उनको इंथ्यूजियास्टिक रहना चाहिए, क्योंकि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम अदा करते हैं. तो एक तो हमारे अपने जो दफ्तर में कुछ तकरीबात होंगी, और दूसरा एज वन ऑफ द लीडिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है यहाँ पे यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK में, तो मुझे लगता है कि हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए इन कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी. तो उस हवाले से हम एक ब्लड डोनेशन ड्राइव कर रहे हैं,
हम शुरू अपना एक ऑडिट रन और डल लेक क्लिनलीनेस ड्राइव कर रहे हैं, और इसमें वेरी काइंडली जो वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं ऑफ जीएनके वो हमारा तआवुन कर रहे हैं जी इन कोलैबोरेशन, थीम ही है कोलैबोरेशन फॉर गुड गवर्नेंस। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा अवेयरनेस थोड़ा कम है, तो मुझे तो लगता है कि अवेयरनेस का सबसे इम्पॉर्टेंट द वे यू कैन गिव दैट अवेयरनेस सबसे बेस्ट है कि आप स्टूडेंट्स को रीच आउट करें। तो इस बार हम स्क्वास्ट कश्मीर की तावन से यहाँ पर और स्क्वास्ट जम्मू की कोलैबोरेशन से जम्मू में हम एक इंटर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज डिबेट कंपटीशन करवा रहे हैं, और उसमें हम जो बेस्ट स्पीकर्स बेस्ट टीम्स हैं उनको फेलिसिटेट तो करेंगे ही, लेकिन हम उसमें एक तो आउटरीच एक्टिविटी करेंगे कि हमारी इंस्टीट्यूशन क्या है, उसका क्या रोल है, क्योंकि आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो कल के ऑडिटर्स भी हैं, वो कल के अफसर भी हैं, या इवन एज ऑर्डिनरी सिटीजन्स दे शुड नो कि सीएजी का इंस्टीट्यूशन क्या करता है। और उसके अलावा जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एट वेरियस लेवल्स, हम उनको वो भी बताना चाहेंगे, उसकी भी अवेयरनेस देना चाहेंगे। ये बताइए कि जो आप ये तकारीब का आपने जिक्र किया, आपको लगता है या आप मुतमईन है कि इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करने से आम लोगों तक पहुंचा जा सकता है? जी बिल्कुल, मुझे तो लगता है इसमें आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मीडिया सोशल मीडिया जितना ज़्यादा ये आगे यू नो डेसिमेट फैलाया जाए उतना ज़्यादा डेफिनेटली लोग, आजकल मैं मानती हूँ कि लोग पैसिव नहीं हैं, लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं, बिल्कुल फहम रखते हैं, तो ये मुझे लगता है इससे काफ़ी अवेयरनेस होगा लोगों में। बहरहाल आपने ऑडिट दिवस और जो हफ्ता भर मुनक्कद होने वाली तकरीबात के हवाले से हमसे बात की और सीएजी के रोल पर हमसे बात की, आपका बेहद शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी सीनियर डिप्टी अकाउंटेंट जनरल इनाबत खालिक साहिबा, जिनका साफ कहना है कि ऑडिट दिवस का मनाने का मकसद आम लोगों तक पहुँचना है और ऑडिट से मुतल्लिक उन्हें जानकारी फराहम करना है। वीडियो जर्नलिस्ट सजाद अमीन, परवेज उद्दीन, ईटीवी भारत, श्रीनगर।